यहाँ कैबोन के पीछे लगा बायो टॉयलेट है, जिसका ये मेन डोर है और ये HMI डिस्प्ले है। इस यहाँ डिस्प्ले माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल का है, इसमें ग्रीन LED लगी हुई है। अगर ये HMI डिस्प्ले पे सभी फोल्डर ग्रीन है, यहाँ तभी संभव है जब लोको खड़ा रहेगा, ब्रेक अप्लाइड रहेंगे एवं रिवर्सर की न्यूट्रल रहेगी। यहाँ सभी फोल्डर ग्रीन रहने पर यहाँ ग्रीन इंडिकेशन जलता रहेगा, जिसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पुश बटन को दबाते ही यहाँ दरवाजा लगभग 10 सेकंड के लिए खुला रहेगा। इस पीरियड के दौरान अंदर आदमी के टॉयलेट में चले जाने पर ग्रीन LED बूझ कर रेड LED ग्लो हो जाएगी एवं डिस्प्ले में इस तरह के चेंजेस आएंगे, जो कि ऑक्यूपाइड टॉयलेट का रेड इंडिकेशन जलेगा एवं लोको ट्रैक्शन कट ऑफ का रेड इंडिकेशन जलेगा। इस्तेमाल के बाद इसमें एक जेट लगा हुआ है जो इस तरह पुश करने से चालू होगा एवं फ्लश लगा हुआ है। फ्लश अवश्य करें। इस फ्लश को प्रेस करने से न्यूमेटिकली कंट्रोल्ड वैक्यूमराइज्ड से पानी को अंदर खींचेगा। अंदर कैबिन में चारों कॉर्नर में चार सेंसर लगे हुए हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग के लिए है। ये सेंसर 1, ये सेंसर नंबर 2, यहाँ सेंसर नंबर 3 और यहाँ सेंसर नंबर 4। इन सभी सेंसर्स को टच ना करे, डैमेज ना करे, यह माइक्रो प्रोसेसर के लिए है। यहाँ हाथ धोने के लिए नल लगा हुआ है। यहाँ पर अंदर आते ही एक स्विच एवं इंडिकेटर पैनल है, जिसमें हेल्दी इंडिकेशन कंटिन्यू चालू है, इसका मतलब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल के बाद ये फैन का स्विच है, इसको आते ही हम ऑन कर देंगे तो एग्जास्ट फैन एवं फ्रंट फैन चालू हो जाएंगे। इस्तेमाल के पश्चात बाहर निकलने के लिए डोर ओपन का पुश बटन है, इसको दबाते ही दरवाजा अपने आप ऑटोमेटिक खुलेगा